साहिब जी तारजियरे एक टेक तो लह बिलानियास नानक नाम तिहाई है कारज आवे रास ए मन प्यारिया तू सदा सच समाने ए कुटाब तू जे देखदा चले नहीं तेरे नाले साथ तेरे चले नहीं तिस नाल क्यों चित लाई ऐसा काम मूड़े ना कीचे अंत पछताई सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरे नाले कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले परम सम्मान योग धन धन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन पवित्र मुबारक हजूरी अंदर जुड़ बैठे सत्कारयोग सतसंगी जनों सतगुरु जी की गोद विच बैठ के अज दे इस गुरमत समागम दी हाजरियां भर रहे हाँ। आओ मेरे तो पहला ज्ञानी गुरबचन सिंह जी पनवा प्रिंसीपल गुरमत ज्ञान मिशन कॉलेज तिना पासों गुरमत दियाँ बहुत प्यारियां विचारां सरवण कर रहे सी। आओ कुछ समा गुरमत गुरु शब्द दियाँ विचारां नाल सांझ पाईए। विचार आरंभ करन तो पहला सारी संगत अब सत्कार नाल फतेह बुलाओ। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आसा संग थोड़ा जिहा सुचेत हो के बई इह गल बड़ी वधिया ज्ञानी जी कह रहे सन कि जदों भी चंगीआं गल्लां वैसे मनुख की फितरत है तुसी किसी मनुख के सामने उहदी वडियाई करी जाओ उहदी तारीफ करी जाओ तो मनुख नूं नींद नहीं आउंदी ते तुसी उहदे सामने उहदी जीवन दीआं बुरीआं गल्लां उहदे सामने रखो तो सुभाविक गल है मनुख जिहड़ा है सौणा शुरू कर देगा नींद आउणी शुरू हो जाएगी क्योंकि मनुख की आदत है फितरत है कि मनुख अपने बारे बहुत चंगा सुनना चाहता है भावें कि चंगा हो गए ना पर अपने जीवन की कमी जी है उसनों सुन तो कितना कितने कमी कतरा है। इन्ने वधिया धार्मिक स्थान बने ने पहला तो शहर में वधिया गुरुद्वारे सन पिंडा में इन्ने वधिया नहीं हुण ते पिंडा वाले ने शहर वाले भी कई गलों मात पा दी भी इन्ने सोहने गुरुद्वारा साहब बने ने इनिया सोहनिया इमारत ने पर एक कमी जी है वह नज़र आती है कि असी अजे सतगुर के कोल प्यार बैठना नहीं सीखिया भी जिन्ना उत्साह चा साढ़े मन में हो क्योंकि असी पिछे समागम करते आ रहे हैं। उन्होंने समागम एक चीज़ नोट की है कि थोड़ा जहा पहला अनाउंसमेंट हो पिंड भी सात संगत जी अपने पिंड कपड़ा वेचण वाला आया तुम वेखो पंद्रह भी मिनटा के ना उ रश पै जाना वोटर कार्ड बनने हो वास्ते कोई अनाउंसमेंट करे पंद्रह भी मिनट राशन कार्ड बनने होते वास्ते मिनटा सकेंडा में रश पै जाता है। जो गुरु शब्द गुरमतियाँ विचारा सी वैसे दुखी बहुत हाँ सी कोई शक नहीं कोई अपने घर का दुख गुआढ़ी ना साझा करता कोई नहीं करता कोई नूह हथों दुखी है कोई पुत हथों दुखी है कोई प्यो हथों दुखी है कोई माँ हथों दुखी है कोई चाचे हथों दुखी है कोई ताए हथों दुखी है मतलब किसी को छेड़ के देख लो समाज में कोई टावा परिवार कौन बचेगा भी जो आत्मक तौर पर संतुष्ट हो जिदा का मैं टब्बर मिले जिदा का मैं परिवार मिले मैं संतुष्ट हाँ भाई कोई अपनी नूह से संतुष्ट नहीं है भी सानू कि पति मिल गई है किसी को अपने जीवन साथी से संतुष्टि नहीं हुण मां ते बदल नहीं ना सकते आप मां ते आप बदल नहीं सकते
माँ का सुभाव भी गर्म हो गए तो माँ बारे भी कहा जाता मेरी माँ का सुभाव बड़ा गर्म है। मुख की गल यह है कि मानसिक तौर पर असी परेशान बने पर इन चीज़ों सुख में बदलने वास्ते जोड़े उपराले सतगुरु ने सू दसे ने बाणी को पढ़ना तो गुरु की मत अनुसार अपने जीवन में जीना। जिंदगी मनुख दरेशानियां वादा है झूठ, जिन्ना मनुख झूठ का आसरा लेता है उन्ना मनुख परेशान होता जाता है। आओ कुछ समा आप संगत की गिनती वाल वेख के थोड़ा समा आप विचार करनिया बाकी रिंदियां विचार सतसंग जी आप शामा वाले दीवान करा क्योंकि सानू पता शामा के दीवान से बरवाली सजाए इकट्ठ इन्ना सी कि गुरुद्वारे बहन में जगह नहीं सी। शेर के दीवानों में कट घट इस करके होंगे भी कमाकारा से गए ने कोई अपनी नौकरी से गया है कोई अपने खेतों में गया है। सुभाविक है भी शामा वेले दीवान संगत की गिनती दिन वाले दीवानों नालों थोड़ी जी वधेरे होंगी। आओ जिन्ने के जाने आप बैठे हाँ थोड़े थोड़े कितने अगे हो जाइए। बेनती है जी अगे पक्खे सारी जगह चलती नौजवान भराओ अगे आ जाओ बहुत अगे जगह आखो नौजवान भराओ जे बजुर्ग ने सियानी उम्र के उदा बिना ढोल तो बैठे तो आप ढोल आई थोड़ा थोड़ा अगे हो जाओ भी कित ना हो भी कथा करने वाले लम्बे पै के कथा ही करनी पवे। मान सिंह झौर कितने कथा कर गया तो जी संगत से ढोल ला के बैठी हुई सी तो ज्ञानी मान सिंह झौर स्टेज पर लम्बे पै गए कहते जी ये कि कहते भी जो सुन वाले ढोल आ सकते तो कथा करने वाला तो लम्बे पै के करूँगा ना फिर तो कित ना हो सू लम्बे पैण तुम मजबूर कर दौ इस करके थोड़ा जहा सचेत हो गए भैनों तुम भी अगे आ जाओ अगे आ जाओ भैनों आवे कि अगे जगह आवे को सियानिया मावं जड़िया बिना ढोल तो बैठिया तो आप सुख ना ढोल ला ली हमें भी इन्नी लौट की जोड़ नहीं पैलसा में देख लो आप कि कुर्सियां मल के सब तो अगे बहने सामने मूहरे कतार हो के भावें कि किसी भी कलाकार का गाना औरत तो बिना नहीं है। कोई सिद्ध कर दे भी कलाकार का कोई गाना होरत की निखेधी ना की गई कित आग गया कित लक की गल कित सब तो वह साड़िया बीबिया अगे होकर बैठिया होंगे। असं देखिए सतगुर की बाणी पढ़िए विचारीए भी कोई गाना गाल जी मर्जी कर लो औरत शामिल हो ही जानी है। कोई गाना कलाकार जो अश्लील गाँव बीबी को शामिल कर ही देना है। मतलब इको एक धर्म स्थान है जिथे पातशाह ने औरत को इन्ना उच्चा रुतबा दिता हो किसी ने शराब की मशहूरी भी देनी है ना पीनी मर्द ने सब तो वह मशहूरी शराब की देन लग्या भी औरत को खड़ा कर दिता गया। मतलब किसी भी चीज़ की एडवरटाइजमेंट देन लग्या औरत को सामने लिया गया एक नमैश वांगू पेश किया गया एक विकण वाली चीज़ वांगू पेश किया गया। जे पहली बार औरत के इस दर्द की पहचान किसी ने की है भी यह भी मर्द के बराबर है इन भी इंसान समझा जाए वो सन धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह। तो भैनों साडा फर्ज बनता भी इन्ना उच्चा रुतबा महाराज ने दिता हो असी ऐसे महान सतगुर की कदर करनी सीखी। आओ इन्हां पावन तुकां नूं पढ़न दा यतन करिए फिर आप विचार आरंभ करते हैं। सारे ने पढ़ने जी ये तुकां फिर आप विचार आरंभ करते हैं। धर जी अरे एक टेक तू धर जी अरे एक टेक तू पढ़ो जी सारे तार जिया रे एक टेक तू तार जिया रे एक टेक तू लहा बेडानी आस लहा बेडानी आस नानक नाम त्याई है नानक नाम त्याई है कारज आवै रास कारज आवै रास पढ़ो पढ़ो कारज आवै रास कारज आवै रास देख लो वीर की आवाज ज्यादा आती जो घर च कोई मरिया हो तो बंधेरे करते बीबियां लम्बे लम्बे बैन पाउंदियां देख लो साडे समाज की आदत तो भैनों गुस्सा ना करो अजकल विआह शादी होंदी है ना जो विआह के लैके आउंदे लड़के नूं तो नवीं लड़कियां बेचारियां तो गाउणा भी नहीं आता फिर बेबे पिछे बैठी वो दसदी भी आह मैं पढ़ के सुन भी सस ने घल्या भुखा गराइयां लै लैंदा भी दसो ये तुहानूं इन्नियां सालां दा कि याद है बाणी पढ़न लग्गे असीं पछाण हो जांदे आ
वैर लंबे लंबे पाउन लगे, जेडे बुजुर्ग ना मर लगे धियां किन्ने दिन पेके बहना पिया, रिश्तेदार सारे आन के बह गए। जे ऐसा बापू भी चढ़ाई करते ना उत्थे मर्द ते आण के मूँह ना करते, बीबियां लंबे लंबे वैन पाउंदियां, दुख ते मर्द नूं भी बराबर ही हुंदा। पर जो बाणी पढ़ते घरां दे विच जो गाउण पिया जांदा उदों भी बीबियां सब तों वध गाउंदियां। मेरे भैणों सब तों वध तुहाडे दर्द की पहचान गुरु नानक साहिब ने की। बाणी पढ़ लगे अदूर की जाना मंदिरों में भेटा गाउण लै जाओ, कि वेखियो तो कि हाथ ते हाथ मार के ताड़ियां मार के जय माया मैया की जय करी जानी, असी जगराते हो रहे ने। असी जिते अणमत जिते सानू सत्कार नहीं दिता जाता उसे असी अपनी पूरी एनर्जी जी ला दें। ये तो सतगुर की बाणी सतगुर का उपदेश अदूर की जाना। जो बाबे कच्चिया धारना लाते हैं गुरबाणी नहीं पढ़ते कच्चे गीत गाते हैं जेडे उदो वेखो तुम मायक एक संगत वाल रख लेंगे एक बीबिया वाल एक बंद वाल और फिर उची उची गई। ये तो सतगुर की बाणी है इनू पढ़ लगे तो वैसे बाणी पढ़ेगा उ जरा घर पढ़ने की प्रैक्टिस करूंगा। सानू आदत पानी चाहिए घर में आप पढ़नी नहीं आती तो बच्चों कहो पोतरिया कहो दोतिया कहो दोतिया कहो पुत मेरे लागे बाणी पढ़ ता कि बाणी पढ़द मैनू भी पुत थोड़ी बहुत ही बाणी याद हो सके ता कि साड़ी सुरत जिहड़ी है वह गुरु शब्द न जुड़े। बहुत उच्चा सरमाया सानू सतगुर की बाणी विचों प्राप्त हुंदा वधिया जीवन जिहड़ा गुरबाणी विच इंज कह लिए गुरबाणी जीवन है। ये जीवन सिख का जिहड़ा है सोहना बनाउणा आ जिन्ना भी समान मार्केट विच मिल रहा ना ये मौत है जिन्हों असी दिन रात इकट्ठा करी जा रहे हैं। टीवी विचों सानू मौत प्राप्त हो रही है किन्ना कुछ असी गलत मलत वेख रहे हैं गलत वेख रहे हैं गलत सुन रहे हैं जिदा हर दिन आ कतलोगारत जी हो रही है लुट्टा खोवां चोर आ पंजाब बिहार नालों भी गांह लंघ चुका भी शामां नूं बंदे ने घर आना हो जिनी देर तक घर नहीं ना आ जाता उन्नी देर तक परिवार का जी सह सह करता भी पता नहीं कि भी घटना ना को वरत गई हो। मतलब ये सारिया जड़िया घटनावान ने क्यों वरत रही क्योंकि जो कुछ टीवी में वेख्या है उन्होंने प्रैक्टिकल रूप साडे नौजवान दे रहे। आओ सतगुरु गुरु अमरदास महाराज ने बड़ी कीमती गल कही मन में संबोधन करके क्योंकि सारिया बुराइया की जड़ ये मन है। ये मन जे अपना रूप अपने मूल की पहचान कर ले फिर ये अगे झुकदा सिर तो जे आपने टुट जाए मूल नालों फिर जिन्हां खराबियां ये कर सकता शायद होर किसी तो आप आस नहीं ला सकते। मन में जो चंगयाई पैदा होती है तो माँ रब का रूप दिसदी है माँ में जो मन में चंगे गुण बैठते हैं तो पिता रब का रूप दिसदा है मन में जो चंगे संस्कार बैठे होंगे ने तो पत्नी जीवन साथी नज़र आती है। जिदन मन शैतानियत का प्रभाव कबूलता है ये अंदर यहर भरया जाता है तो सब तो घना चेहरा पत्नी नूं अपने पति का दिसदा मन तो मन ही है गल विचार आती है। गुरु अमरदास जी कहिंदे ए मन प्यारे आ हे प्यारे आ मना देखो जिवें बाप बच्चे नूं नहीं समझाउंदा आ मेरे प्यारे पुत्तर आ मेरे प्यारे बेटे तेरे नाल मैं कोई गल करना चाहुंदा। गुरु अमरदास महाराज कहिंदे ए मन प्यारे आ की कर भला तू सदा सच संभाले तू सदा ही सच में संभाल के रख। हम दो मिनट लिए सोचो जे ये सीखे एक माँ स्कूल तुर लग्या बच्चे पुत्र धी को दसे पुत सच में संभाली जे तू उतों कोई कापी किसी की चुक के लिया बेटा तेरे दिन वापस दे के आनी चोरी नहीं करनी बेटा सच ते पहरा देना। तो जे अज एक चीज स्कूल विच्चों बच्चा किसी की चोरी कर लिया तो माँ ने उन्हें झिड़किया नहीं माँ ने उन्हें झिड़क नहीं मारी दबका नहीं मारिया तो माँ समझ ली अज तू उत्साह कर दिता अपने बच्चे भी अज तो शुरू कर लै अज एक कापी चुकी है कल दो कापियां चुकेगा हौली हौली ये जी तृष्णा वधदी जानी है भी माँ ने मैनू रोकिया नहीं दा मैं काम चंगा किया। जे अज बच्चा चोरी करके इतों तक मैं कहना हुंदा कई बार आ बच्चे घरों अपना टिफिन लैके जाते तो कई बार बच्चे अपनी रोटी पहला खा लेंगे नाल दे दोस्त की बाद विच खा लेंगे कितना चंगा हो गया। जे तुहाडा बच्चा अपनी रोटी किसी नूं खवावे ना तो खुश होवे भी तुहाडे बच्चे अंदर पर पकार की बिरती है भी अपनी रोटी दूजे नूं खवा के आया। जे दूजे की रोटी धक्के नाल खो के आया तो यह वेखना भी जे अज रोटी तक है ना जे अज निक्का हुंदा है कि बच्चे की रोटी खो रहा है वह दिन दूर नहीं जिदन भरा का हक भी मारेगा किसी दोस्त मित्र का हक भी मारेगा क्योंकि शुरुआत है ना जिदा की शुरुआत उसी बच्चा तो एक साथ संगत एक बिल्कुल प्लेन पानी वर्गा है कोरे पानी वर्गा है जिसमें
कोरा पानी होंगे उस जिहड़ा भी रंग पाओ ना उन्हें रंग प्रवान कर लेना, हरिया पाओगे हरिया उन्हें ग्रहण कर लेना, जिहड़ा जिहड़ा बच्चा उस तरह है। इस करके सतगुरु जी कहिंदे हे प्यारिया मना तू सच की संभाल कर, सच नाल जुड़। हुण जे सच दे आप उल्ट जाइए तो की है भला झूठ, जे सच ग्रहण नहीं करेगा, जे रोशनी नहीं होएगी तो की होएगा भला हनेरा होएगा, जे सच नहीं होएगा तो जिंदगी च की होएगा भला झूठ होएगा ना। तो अज जिन्नियां परेशानियां ने झूठ करके, अज जिन्ना कोई बंदा जीवन च कह सकता भी मैं सच बड़ा बोलिया इस करके दुखी ना, सच करके बंदा दुखी नहीं हुंदा, सच करके बंदे नूं शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पैंदा। हाँ एक दो मुश्किलां हुंदियां बंदा उन्हां चों लंघ जांदा, पर मन जिहड़ा हमेशा चढ़दी कला। अज जिन्हां दा असीं अरदास विच नां लैंदे ना, सच ते तुरन करके तत्ती तवी ते बहना पिया, देग विच उबाला खाणा पिया, बच्चियां दे टुकड़े करवाए अपने बच्चे नूं नेजियां विच भी उन्हां ने अपने टंगियां होइयां वेखिया, पर मन करके दुखी नहीं होए। असी सब कुछ साडे बच्चों दी बरातां भी जांदियां ने, घर च पदार्थ भी बड़े ने, असी फिर भी दुखी क्यों? क्योंकि साडे कोल सच दा समान नहीं है, साडियां चीज़ां झूठ दे आसरे ते खलोतियां ने। सतगुरु ने तां ही आख्या सी कूड़ कपट बंच नेम ने आदा बिनस गया तत काले, कूड़ कपट बंच नेम ने आदा। नेम ने आदा कहिंदे जिहदी कोई बुनियाद नहीं। हुण किसे बंदे ने पंज मंजली कोठी बनाउणी होवे ते थल्ले नीहां च जिहड़ियां इट्टां लावे उह कच्चियां गारे दियां ला देवे, जिहड़ियां आम मिट्टी दियां इट्टां ने गारे दियां इट्टां ने कच्चियां पिल्लियां इट्टां ला देवे, ते कारीगर नूं कहे ते लेंटर पाउणा उच्चे, उह कहेगा नहीं प्यारिया जे नीहां कच्चियां ने ते लेंटर नहीं टिक सकदा। ते जिस जीवन दे विच झूठ नफरत ईरखा, जिस जीवन की बुनियाद ही झूठ ते खलोती होवे, भला उत्थे जिंदगी किवें उसारी जा सकती है, उत्थे जिंदगी किवें खूबसूरत बन सकती है। जिन्हें नींह कच्ची रखी, कोई एक दुनिया के बंदा यह गल बांह खड़ी करके कह दे कि साडे परिवार ने झूठ का आसरा लिया असी सारे सुखी हाँ। हाँ सच ते तुरन वालियां नूं मैं एक उदाहरण दिंदा ना, सच ते तुरन वालियां नूं समस्यावां का सामना करना जरूर पैंदा, पर एक तो मन करके शर्मिंदे नहीं होना पैंदा, एक मन सदा विकास विच रहिंदा, मन सदा खेड़े विच रहिंदा। ताई कि गुरदेव ने सारा जोर दिता है सच नूं संभालने वास्ते। सच की है? अकाल पुरख परमात्मा, सच सभना का खसम है। यह सच ही तो है जिहड़ा सारिया का खसम है, जिन्होंने आख्या खसम छोड़ पाव, सच नूं छड़ दिता, दूजे लगे डुबे सेवन जा रहा। दुनिया से डुबदा बंदा कदों है? जदों सच का पला छड़ दिंदा है, जदों सदीव काल उस सच्चाई नूं अपनी जिंदगी विचों बाहर कर दिंदा है। यह नितनेम क्यों करना है? बाणी क्यों पढ़नी है? गुरुद्वारे किस वास्ते आना है? ये सारे उपदेश इसे वास्ते सा संगत यह साडा मन सच्यारा बन सके। वेखो चंगयाई बीजनी पैंदी है, बुरियाई बीजन की लोड़ नहीं पैंदी। बीज लिया के यूनीवर्सिटी चों घर बीजना पैंदा, खेतों में बीजना पैंदा, तुसीं फुल भी लाउणा होवे ना अपने घर वह भी तुहानूं नर्सरी तो जाके आप लिआउणे पैणगे, वधिया वधिया पौधे गमलिया च लाउणे, पर तुहानूं ना निका निका घा उगता है जी नदी उगना वो लाना नहीं पैना, वह घा वे मिट्टी वेची है, जो तुम मिट्टी बहरों लैके बिच पा दी है ना गमले में, वो अपने आप नदी उगी जाना। तुम पैली च वेख लो बीज आप लिया के पाया नदीन अपने आप उग पैंदा। तो जे आप नदीन ना मारिया ना, जिन्ना आप पानी देना जिनी आप खाद पानी सारी नदीन लगती जानी, तो नदीन मोटा होंदा जाना, तो उन्हें बीज में घेर लेना, फसल जी घट दिसनी है तो नदीन ने उन्हें घेर इंज ही हो रहा। असी औगणा का नदीन पुटते कोई नहीं, पाठ करी जा रहे हैं, गुरुद्वारे आई जा रहे हैं, तीर्थ स्थान जाके मत्थे टेकी जा रहे हैं, वह ही हो रहा सा नदीन वाधा जाता, गुण साढ़े जीवन का जो मेन फसल से उन्होंने घेरा पाया होया। तो एक गुरदेव ने आख्या से अवगुण पुट अपने जीवन चो, अपनी जिंदगी चो नदीन पुट दे, फिर जिन्ना भी पाठ पूजा करेगा सारा असर फसल से होएगा। फसल की है? तेरे जीवन में आए हुए गुण चंगयाई चंगियां आदतां चंगे संस्कार ये जीवन में बीजने पैने ने, अपने आप नहीं उगने, ना किसी गैबी शक्ति ने सानू देने ने, समाज सोहना बनेगा उदों। गुरु नानक साहब महाराज इस दुनिया ते किस वास्ते आए? समाज को सोहना बनाने वास्ते, क्योंकि इत्थे बड़े भयंकर चेहरे सन, एक दूजे नूं एक दूजा चेहरा कुरूप दिसदा सी। आपां बाणी चों पढ़दे ने सच काल, सच दा ते काल पै गया। हुण बाणी च इक बने गुरु अमरदास जी कहिंदे मन प्यारिया तूं सदा सच संभाले, कहिंदे सच नूं संभालांगे कित्थों, सच दा ते काल पै गया, ते काल जिहड़ी चीज़ दा पै जाए उह ते लभदी पई कोई नहीं। गुरदेव जी कहिंदे सच काल कूड़ वरतिया, सच दा पै गया काल ते कूड़ गया वर, कल कल खिबे तान
ਤੇ ਝੂਠ ਦੀ ਕਾਰਖਾਨਾ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬਿਤਾਲੇ ਦਿਸਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਡਰਾਉਣੇ ਦਿਸਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਰ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰਦਾ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਢਾਉਣੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਚੁਕੰਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕਢਾਉਂਦਾ, ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ 'ਚ ਲੁੱਟਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, 10-20-100-50 ਰੁਪਈਏ ਬਦਲੇ। ਆ ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ, ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਠੀ ਲਈ ਰੰਗ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ 5-7 ਵਰਕਰ ਰੱਖੇ ਥੱਲੇ ਰੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 150-200 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਦੱਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਸੀ ਐਡਵਾਂਸ, ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਡਵਾਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਕੱਢ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਹ 100 ਰੁਪਇਆ ਮਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਲਈ ਆਉਣਾ, ਆਹ ਐਡਵਾਂਸ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਢ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲੇ 3 ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਨਾਲੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਦੱਸੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਘਬਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਰੋ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਵੀ ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਚਿੱਟ ਕੱਪੜੀਏ ਸੋਹਣੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸੋਹਣੇ ਸੁਨੱਖੇ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਈ, ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਓ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ, ਉਦੋਂ 'ਤੇ ਕਦੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਤ ਹੋਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਣ ਖੁਣੋਂ ਥੋੜ੍ਹਿਆ ਕੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਖੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਗੰਦ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਧੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਲਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਕੀ? ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭੈਣੋ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੜ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਬੈਗ ਖੋਲੋ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਖੋਲੋ। ਰਈਏ ਮੈਂ ਘਟਨਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਗੁਟਕੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਗੁਟਕਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਨ ਜਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਰਈਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮਾਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡੈਡੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੋ। ਅਤੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਹੱਥ ਹੁੱਥ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਰੁਪਈਆ ਨਿਕਲ ਆਓ, ਦੋਹ ਨਿਕਲ ਆਓ ਅਤੇ ਟੋਫੀਆਂ ਲੈ ਆਓ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਮਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਚਿੱਠਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਈ, 2 ਦਿਨ ਪਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਰੂਰ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੇ ਵੇਖਣਾ ਜਦੋਂ ਡੈਡੀ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕੁੜੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖਣਾ ਹੁਣ ਡੈਡੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖਾਧਾ ਨਾ, ਜੇ ਡੈਡੀ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਹ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬੈਗ, ਬੱਚਾ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇਬ ਖਰਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਆਪ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਘਰ ਨੂੰ, ਘਰ ਤੱਕ ਅੱਗ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਈ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 3-3 ਸਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਅਸੀਂ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਤੜਫਦੇ ਪਏ, ਜੇ ਨੂੰਹ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਤਾਹਨੇ ਮਿਹਣੇ ਉਹਨੂੰ ਸਸਤੇ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਨੂੰਹ ਅੱਗਿਓਂ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਕਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਕਦੀ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਖਾਧੀ ਪਈ ਸੀ, ਤਾਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਣੇ ਪਏ, ਦਰਾਣੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਹਰ ਵਾਰ ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰਹ ਅੱਗਿਓਂ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਵੇ ਤੂੰ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਘੱਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਕਦੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਝੂਠ ਦਾ ਅਤੇ ਬੋਲਬਾਲਾ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਕਾਲ ਸੱਚ ਦਾ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਾਲਖ ਬੇਤਾਲ, ਬੀਓ ਬੀਜ ਪਤ ਲੈ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪ ਤੋਂ ਉਗਵੈ ਦਾਲ, ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਸਮਿਤ ਕਦੀ ਉੱਗਿਆ ਕਰਦੀ, ਕੀ ਉੱਗਿਆ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਚਣਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਗਦਾ ਹੈ, ਚਣਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾ, ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ
सच चंद्रमा हुण मस्या वाली रात भला चंद्रमा हुंदा कि जो मस्या वाली रात हुंदी है चंद्रमा तो दिखाई भी नहीं दिंदा। सच चंद्रमा दिस नाही कह चढ़िया कहिंदे दिसदा भी है नहीं। कह लगे जो मस्या वाली काली रात तो दूसरे बन्ने चंद्रमा दोवां दा मेल हैगा आपस विच कहिंदे झूठ मस्या की काली रात की तरह है सच जिहड़ा उह चंद्रमा दी न्याई है। जिवें मस्या वाली रात नूं चंद्रमा दिखाई नहीं दिंदा इदां ही झूठ वाली दुनिया में सच ते चंद्रमा की दिखाई दिस दिसदा ही नहीं है। सच तुसीं वेख लो अज परिवारां विच सच लभदा पे ते सगों एक गल याद रखना जे परिवार विच एक भी सच्चा इंसान होवे ना जे पत्नी सच्ची होवे जां पति सच्चा होवे उहनूं सारिआं दा विरोध चलना पैंदा सारिआं दे विरोध का सामना करना पैंदा। जे मां सच्ची होवे ना उहनूं सारे टब्बर का जिहड़ा है ना विरोध का सामना करना पैंदा सारिआं दा। पर दूजा पक्ष वेख लो सतगुरु ने सानूं तां ही आखिआ हे भले इंसान सच अपने पल्ले बन्न। सच नूं ना भाई गुरदास ने सिर की पग की तरह आखिआ सच सिर की पग की तरह है भी ये हमेशा ही सत्कारिया जाता है जिवें सिर पूजिया जाता है सिर जिहड़ा उहदा सत्कार क्योंकि सिर दे उत्ते सिर तों पग लै जाए तो बेइज्जती मनी जाती सिर दे उपर रखी हुई दस्तार जिहड़ी है ये सच का प्रतीक है। कहण लगे जिवें सिर तों पग लै जाए तो बंदा अपनी बेइज्जती महसूस करता कहिंदे जिवें जिंदगी विच सच जिहड़ा है सिर दे ताज की तरह है हमेशा ही सत्कारिया जाएगा हमेशा ही इहदी इज्जत ते पूजा की जाएगी। हे भले इंसान अपनी जिंदगी विच सच नूं आधार दे सच दे उपर पहरा दे सच जीवन विच होएगा तां ही तेरी जिंदगी खूबसूरत बन सकती है। तो सच्चारा जीवन बनाउण वास्ते ना तैनूं यतन करना पैणा यह बीज है सारी गुरबाणी का। तुसीं जिहदे धुर वेखणा होवे ना तो मनुख नूं सच्चारा बनाउण वास्ते गुरदेव ने बाणी रची है भी किवें सच्चारा होई है किवें कूड़ा टुटा पा ये बंदा सच्चारा किवें बने इहदे जीवन च सच्चारापन किवें आवे ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਕੰਧ ਹੈ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਕੰਧ ਹੈ ਨਾ ਹਉਮੈ ਦੀ ਇਹ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਸਕੇ ਟੁੱਟ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਖੀ ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰੇ ਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ ਇਹ ਕੁਟਾਂਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਟੰਬ ਦੀ ਅਰਥ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੱਚੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਇਹ ਕੁਟੰਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੁਟੰਬ ਹੈ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਨੇ ਪਤਨੀ ਹੈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੀ ਭਲਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਟੰਬ ਨਾਲ ਚੇਤ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਕੁਟੰਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚਿੱਤ ਜੁੜੇਗਾ ਹੀ ਜੁੜੇਗਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਜੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਪਤਨੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕੁਟੰਬ ਵੱਲ ਤਾਂ ਇੱਡੀ ਪਿਆਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਂ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸੁਣੋ ਤਰਲੋਚਨ ਬਾਲਕ ਪਾਲਣ ਪਾਉਂਦੀ ਏਲੇ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਕਾਜ ਬਰੂਤੀ ਚੀਤ ਸੁਭਾਰਕ ਰਾਖੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਬੱਚੇ 'ਚ ਰੱਖਦੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਟੰਬ ਵਿੱਚ ਚੇਤੀ ਨਾ ਲਾ ਭਾਵ ਕਿਹੜਾ ਕੁਟੰਬ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕੁਟੰਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੀ ਮਾਂ ਦਵਾਈ ਮੰਗਾਵੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਸਤ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੇਖੋ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਹੜੇ ਕੁਟੰਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੂਟਾ ਬੰਸ਼ ਕਬੀਰ ਕਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਬੰਸ਼ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਰੁੜ ਗਿਆ ਬੂਟਾ ਬੰਸ਼ ਕਬੀਰ ਕਾ ਉਪਜਿਓ ਪੂਤ ਕਮਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਵ ਮਨ ਹਰ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਗੁਣ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਚੰਗਿਆਈ ਛੱਡ ਕੇ ਸਚਿਆਈ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਈਰਖਾ ਸਾੜਾ ਜੈਲਸੀ ਇਹ ਮਨ ਨੇ ਨਾ ਝੂਠਾ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਰੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਬੂਢਾ ਬੰਸ਼ ਕਬੀਰ ਕਾ ਉਪਜੇ ਪੂਤ ਕਮਾਲ ਹਰ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਛੱਡ ਕੇ
थरीदा सिमरन छड़ दिता, परमात्मा दे गुण छड़ दिते, कर ले आया माल एक कुटुंब तू जे वेखदा चलना नहीं तेरे नाल। एक कुटुंब जिहड़ा तू वेखदा पिया ना जिंदगी जून विच, इस कुटुंब ने प्यारिया तेरा साथ कोई नहीं देना, क्योंकि झूठ कभी किसी का आसरा, झूठ कभी किसी के नाल नहीं पिया। सगो बाणी दे लिखिया, सज्जन से ही नाल मैं चलदिया नाल चलना ना, जिथे लेखा मंगी है तिथे खड़े दिसन। सब तो निकटवर्ती बंदे दे सज्जन कौन है भला, बंदे दे गुण। नानक अवगुण जे तड़े ते ते गली जंजीर, जे गुण होण ता कटियां ना से भाई से वीर। अवगुण बंदे दे दुश्मन है ते गुण बंदे दे सब तो निकटवर्ती मित्र ने। सच बंदे नूं कहिंदा, संतोख बंदे नूं कहिंदा, एक बार साडी वरतों करके वेख, जिदन किते परख दी घड़ी आई ना प्यारिया तैनूं शर्मिंदे नहीं होण देवांगे। झूठ कहिंदा वरतों मेरी कर ला, पर गरंटी कोई नहीं, एक बार मेरी वरतों कीती ना ते दुबारा मैं तेरा साथ छड़ जाणा, उत्थे तैनूं नवें झूठ दी वरतों करनी पैणी। इदां ही हुंदा ना, जिहड़ा माँ कोल झूठ बोलिया वो पत्नी कोल नहीं बोलिया जा सकदा, क्योंकि जे उही इत्थे आण के बोलता फिर झूठ तां ना हो, फिर तां सच होया। झूठ से हर बार बदलना पैना। तो याद रखना सात संगत, परेशान बंदा भला कहड़ा होंदा है। तुसीं अज सच बोलिया ना, सौ साल बाद तुहानू कोई गल पुछे, वीह साल तीह साल बाद पचाव साल बाद गल पुछे, तो तुहानू चेता रखन की लोड़ नहीं पैनी, क्योंकि सच पचास साल बाद भी उही रहना। जिहड़ा झूठ है ना वह तुहानू अज बोल के हफ्ते बाद चेता रखना पैना, माँ कोल किहड़ा बोलिया सी, पत्नी कोल किहड़ा बोलिया सी। कई बार झूठ बोल के कई छुट्टी लै लेंगे ने, तुम देखे ना कई माँ मार के छुट्टी लै लेंगे, दादा मार के छुट्टी लै लेंगे, तो कई बार फस भी जाते भी दादा तीन साल बाद पहला मारिया दादा फिर मार दिता। कई फौज में छुट्टी लैन लगे दादे को चढ़ाई कराते भी दादा ही चढ़ाई कर गए। हूँ जे दादा झूठ मार के छुट्टी ली होगी तो हो सकता हूँ चेत भुल जाए भी पहला दादी को मारिया भला के दादे को मारिया। अज तो चार साल पहले मैंने छुट्टी ली सी भी, एक तो रूटीन मुताबक छुट्टी मिलनी सी, एक झूठ बोल के छुट्टी ली, भला दादा मार के छुट्टी ली सी कि दादी चढ़ाई करके। हुण दादा दादी तो एक बार ही मरिया ना, पर झूठे बंदे ने किन्नी बार मारे अपने स्वार्थ वास्ते। गल है भी जे सच होएगा फिर दादा एक बार चेता रहेगा ना भी दादा जो चढ़ाई किया उदों मैंने छुट्टी लैनी पई। हुण झूठे बंदे नूं इहो ही तो परेशानी आ, इहो ही जाल है, माया जाल पसारे आ पीतल चोक बनाए, तृष्णा पंखी फासिया निकस न पाए माए। क्यों नहीं भला जिन कीता तिसे न जाने, फिर आवे जाए बार बार ये जमन मरन के चक्कर में पिया रहा, क्योंकि माया जाल पसारिया पीतल चोक बनाए तृष्णा पंखी फासिया। ये जिहड़ा पंछी है तृष्णा के अधीन होके चोगे चुगी जाता झूठ दे, मकड़ी जाल ये उस जाल में आ फस। जे सच होएगा तेनू कौन पसाएगा प्यारिया। फिर जरा इतने ता ही गुरदेव ने आख्या, एक कुटुंब तू जे देखदा चले नहीं तेरे नाले साथ तेरे साथ। तेरे का अर्थ पता की है, जिंदगी जून में तेरी मदद कोई नहीं करेगा, तेरे जीवन में सुखी बनाने एक कुटुंब ने तेरी कोई मदद नहीं करनी। तू बैड खरीद लिया, कार ले आंदा, गड्डी बना ली, पर जे तू कहे भी ये कुटुंब तेनू सुखी कर दू ना, ना ना कुटुंब तो सुखी कर नहीं हुंदा। पर जे कुटुंब बेबे नानकी वर्गा, माता गंगा जी वर्गा, माता गुजरी वर्गा चंगे गुण जीवन च आ जाण, तो एक चंगा परिवार मिलता उदों जदों चंगे गुण जीवन दे विच आण के वस जाते हैं। एक कुटुंब तू जे देखदा चला नहीं तेरे नाले साथ तेरे चले नहीं, साथ तेरे चले नहीं तिस नाल क्यों चित लाई है। फिर चित लाउंदा की लभ जी ऐसे कुटुंब ना, ऐसा कम मूड़े ना की चाहे, एहो जिहा कम ते भुल के भी नहीं करना चाहिए। तो जे सात संगत तुसी दुनियावी कुटुंब की गल करोगे तो की गुरु अमरदास जी कुटुंब नाल चित लाउण तो रोकदे ने, भी रोकदे भी तू कुटुंब नाल चित ना जोड़, माँ वाल ध्यान ना दे। जिन्हां ने माँ बाप बच्चों वाल ध्यान ना दिता वह तो योगी लोग सन, वह तो गृहस्थ तो भगौड़े लोग सन। सानू गृहस्थ दीआं जिम्मेवारियां ते मन जुड़ेगा तो गृहस्थ दीआं जिम्मेवारियां निभावांगे ना।
जे पत्नी विच ध्यान होएगा तो पता होगा ना पत्नी बीमार है इहदा इलाज करवाना है, पुत बीमार है उहदा इलाज करवाना है, बेटी बीमार है उहदा इलाज करवाना है। परिवारक जिम्मेवारियां निभाएगा तो तेनू निरंकार ना तेरी प्रीत वधेगी ना। हुण इत्थे कुटां अर्थ है विषय विकार जिहड़े तेरे जीवन च प्रभाव पा रहे ने, जिन्हें तेरे ज्ञान अंदर तबाह करके रख दिते ने, अखां गलत वेख रहियां ने, कन्न गलत सुन रहे ने, जुबान झूठ बोल रही है। सतगुरु जी कहिंदे ऐसा काम मूल है ना कीचे जित अंत पछताई है। हुण साध संगत किसी ने मां की रज के सेवा की उन्होंने पछताना पवेगा पता, किसी ने रज के अपने पत्नी दे जिहड़ियां मनोकामनावां गुरमत अनुसार वाकिया जो चाहती हो गुरमत नूं जीवन में वसा के चित ला के परिवारक जिम्मेवारियां निभाउणियां निभाइयां होण उन्हें पछताना पवेगा। पछताउंदे ओह लोग ने जिहड़े दाज दे लोभी पत्नी मार बैंदे ने, पछताउंदे ओह लोग ने जिन्हां दा चित परिवार नाल कदी लगा ही ना होवे, जिन्हां परिवारक जिम्मेवारियां कदी इमानदारी नाल निभाइयां ना होण, पर परिवारक जिम्मेवारियां निभाउण वालियां नूं कदी पछताउणा नहीं पैंदा, सगों उन्हां दा ते सत्कार कीता जांदा। ऐसा काम मूल है ना कीचे जित अंत पछताई है। इहो जिहा काम भुल के ना कर जिहदे नाल तैनूं पछताउणा पवे। फरीदा जिन्नी कमी ना है गौणा ते कमड़े विसार मत शर्मिंदा थी वही साई रह दरबार। वह काम छड़ दे जिन्हां कामां करके तैनूं शर्मिंदगी का सामना करना पवे, वह जिंदगी च काम कर जिहदे नाल तेरा मुख उजला हो सके। फिर की करिए महाराज कहिंदे सतगुरु का उपदेश सुन तू, सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरे नाले। देखो किन्नी किन्नी कमाल की काव्य रूप सतगुरु ने बाणी लिखी है। उपर गुरदेव जी कहते हैं भी तू झूठ दे नाल कुटंब ना चेतना जोड़, क्योंकि इन्हें तेरे साथ नहीं जाना। फिर महाराज साथ जाना कहने कहते सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरे नाले। गुरु का उपदेश सुन ये तेरे नाल नाल रहेगा। तू खेता जाएगा उपदेश उत्थे भी नाल, तू दुकान ते बवेगा उपदेश गुरु का उत्थे भी तेरे नाल, तू गड्डी चला रहा गुरु का उपदेश उत्थे भी तेरे नाल। भाव परिवारक समाजिक संसार के जिन्हें भी काम कार करद्या करद्या तू निरंकार के नाल सांझ पा सकदा। सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरे नाले कहे नानक मन प्यारे। गुरु जी कहते हैं नानक जी कहते हैं कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले। हे मा प्यारिया मना फिर तू की कर तेनू पछताउणा ना पवे, तू सदा ही सच की संभाल कर, सदा ही सच नाल जुड़। ते सच नाल जुड़न वास्ते तेनू बाणी विचों ज्ञान लेना पवेगा, बाणी नाल सांझ पाउणी पवेगी, बाणी विचों रोज चंगीआं आदतां सिखणीआं पैणगीआं। वेखो साध संगत दुनिया अंदर ना चंगीआं आदतां ग्रहण करनीआं होण ते माड़ीआं आदतां छड्डणीआं होण इक्को ही नुकता है। दो मिनट लई बंदा सोच ले भी इस चंगी आदत नूं ग्रहण करन दा मैनूं फायदा की है, ते इस माड़ी आदत दे जे जीवन मैं तोरूंगा ते मेरा नुकसान की है। गल ते निक्की जी है भी जे मैं आ माड़ी आदत अपने जीवन में धारण कर ली तो ये अनुसार तुरया मेरा नुकसान की है, तो जे मैं आ चंगी आदत अपने जीवन के वसा ली तो ये मैं लाभ की। गल तो निकी जी ना उनका बुलिया रब का की पाना, इधरों पुटना इधर लाना। हम गल तो निकी जी सी भी इधरों पुट के जिमें प्याज लाई दे ना भी एक बने कण पुट के दूजे बने ला दो तुर पा, यह मन है इन बुरे काम वाले बने पुट के ते चंगे काम वाले बने ला देना। हुण मन जुआरीए दा जुए ते लगा हुंदा ना शराबी बंदे दा, जदों शाम नूं उहने पीणी हुंदी है किसे घर जावे उह रोटी अगे रख भी देण पला रोटी खांदा उहदा ध्यान किथे हुंदा पला, उह लगदा जिन्नी देर तक मैं पीती ना ते गल बननी कोई नहीं, उहदा ध्यान उत्थे है ना। हुण इहो ध्यान हुण बुलिया रब दा वी पाउणा इधरों पुटणा इधर, हुण जिहड़ा ध्यान शराब की बोतल सी उह ध्यान पुट के तुसीं गुरमत वाले बने ला दिओ भी वह कितने बैठा हुए कि अज पाठ नहीं होया दो अंक, अज मैं इन्ना क पढ़ नहीं सकिया, इन्ना क मैं ज्ञान प्राप्त। हुण जिहड़ा ध्यान जुआरीए दा जुए ते लगा सी ध्यान तो उहो ही है, ध्यान उहे रहना, ध्यान नूं चंगे बने ला देना, बस ध्यान नूं ध्यान दा रूप बदल देना आपां, बस इहो गल गुरमति है। भी आदतां अपने बोलना जबान ने इदां ही है, हत्थां ने ते करना ही है काम, जदों पिछे विचार चंगे होणगे हत्थ पार पुकार करनगे,
मैं निकी जी साखी सुनावा गुरु पातशाह जीवन किवें बदलते हैं। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज नगर के बार बार ठहरे हुए हैं, गुरमतियां विचारा हुई ने, बाणी का ज्ञान होया है, दरखत के थले बीतन रात होते वेखो साड़िया वर्गिया सहूलत गुरदेव को मिली कोई नहीं। गुरदेव को किसी ने पत्थर मारे, किसी ने पूतना बिता ला क्या, किसी ने चंगा प्रसाद पानी छका भी दिता, पर माण अभिमान मंदे सो सेवक ना है। उन्हें इस गल की परवाह नहीं की भी कोई माण करे, कोई सन्मान करे, कोई अपमान करे, बस अपनी मंजिल वालों वधदे गए। हुण सतगुरु जी देखे रात पई है, एक भरा खेतों में आया तो कणक के ढेर तो कणक चुक के दूजे ढेर से सुट रहा, तो मरदाना महाराज ने कहते महाराज बंदा रात के नेरे का फायदा उठा के चोरी कर रहा। महाराज कहते कोई गल नहीं कर लैन दे। थोड़ी देर हुई तो दूजा भरा आ गया, वह दूजे ढेर तो कणक चुक के दूजे ढेर से सुट लिया। रात इदा लंघ गई, दिन चढ़िया तो वड्डा भरा आया। महाराज कहते क्यों भाई रात खेतों आया? कहते हाँ जी चोरी की सी। कहते नहीं महाराज चोरी नहीं की। मरदाना कहता वेखो महाराज एक तो चोरी की दूजा झूठ बोलता है, एक चोरी की एक दूजा झूठ बोलता है। नहीं महाराज चोरी नहीं की, आया जरूर से। कहते फिर कणक चुकते तेन आप वेखिया? कहते हाँ जी चुकी जरूर है, पर अपने ढेर तो चुक के अपने भरा के ढेर से सुती। कहते भी ये किवें? कहते महाराज चोरी तो पहला करते होंगे सब सुखना, अच्छ तक चोरी नहीं की, अब अपने ढेर तो कणक चुके ना अपने भरा के ढेर से सुती। कहते की कर? कहते भी महाराज थोड़ी बाणी का असर ही इन्ना होया, तुसीं तुहाड़ी संगत का प्रभाव ही इन्ना बोलिया। मैं सोचा भी अपने भरा की मदद करा, मेरा तो टब्बर वड्डा, मेरे बच्चे कमाते हैं, मेरी मदद करते हैं, तो मैं बिना दस्या अपने ढेर तो कणक चुके ना अपने भरा के ढेर से सुटी भी चलो यदि मदद करी चला गया। छोटा आया उन्होंने पूछा भी तू ही आया से खेतों से? कहते हाँ महाराज मैं भी आया से। चोरी की? नहीं महाराज मैं भी नहीं की। नहीं तू कण तो चुकी सी रात? कहते हाँ महाराज चुकी सी। कहते कितों? कहते अपने भरा के ढेर तो, अपने ढेर तो कण चुके अपने भरा के ढेर से कण सुटी सी। हुण साहिब सच्चे पातशाह पुछदे ने भाई की करूं? कहते इस करके महाराज मेरे भरा का टब्बर वड्डा है, उसका खर्चा भी ज़्यादा, मेरा खर्चा घट है। मैं सोचा अपने भरा की बिना दस्या मदद कर देव। चोरी तो पहला करते होंगे सी, पर अज तक चोरी नहीं की, सगों अपने भरा की मदद की। दोवें भरा चले गए। महाराज मरदाने कहते मरदाने एक चीज़ नोट की महाराज? कहते वेख दोवे ने एक दूजे की बिना दस्या मदद कर दी, पर घटिया दोवों का कुछ भी नहीं। उन्हें वो मदद कर दी, उन्हें वो मदद कर दी। तो एक गल इन्हों की गल च होर फड़ी मरदाने की महाराज? कहते दोवें पहले एक दिन कुंडी लाते से, जो असं कहना घबड़ा करते हैं ना, असं सोचते भी हट ना कोई नहीं करता। क्यों नहीं करता भाई? एक किसी ना कि सानू भी कुंडी लाने वाले कोई ना कोई बैठे होंगे। हुण ये तो पता लग गया भी जो असं सच्चे मन न किसी की मदद करते हैं फिर पक्की गल है प्यारे घटता कोई नहीं, कोई ना कोई हीला वसीला बनता है। तो नाले महाराज ने किन्नी प्यारी सिख्या थी भी दोवें भरा अपने हथा ही पहला भरावान के ढेर तो कण चुके अपने ढेर तो सुटते हो गए। अज गुरु के शब्द ने कैसी करा मात वरताई हाथ हो ही ने, अज अपने ढेर से कणक नहीं सुटी, अपने ढेर तो कणक चुके दूजे के ढेर से सुटी भी वो बचे रज के रोटी खा लें। जिदन प्यार ये बिरती तेरे अंदर आ गई ना, असल में संगत तू उदन की है, बाकी तो माफ करना तू अपना समा खराब किया। जिदन तेरे अंदर यह भावना आ गई ना, तेरे भरा की पैड़ी चो पानी निकल रहा हो, भरा की पैड़ी हुई उच्चे थान से उसको पानी बाहर निकल रहा होया, झोना लगा होया, तो उन्हें इंजन चला के बेचारे ने दवाइया पा पा के पानी खिला रहा हो। जे तेरे भरा की पैड़ी चो पानी निकल रहा तेरा बोलता भी ना हो तो तू कहीं लैके पानी बंद कर देना, भावें मेरी पैड़ी धूड़ियां पईयां टिब्बे पए ने कोई गल नहीं, पर मेरे भरा ने किन्नी मेहनत ना सारी रात जनरेटर चलता रहा, सारी रात वो खेतों च रहा। यह है परपकार, वाकई है भी तू भला किया। तो जे तू गुरुद्वारे भी आया तो अपने भरा की पैड़े च इदा थल्यों की मोरी करके पानी अपनी पैड़े सुट लिया, फिर तो तू संगत कोई नहीं की, गुरु की विचार कोई नहीं सीखी, गुरु का शब्द कोई नहीं सीखिया। यह अर्थ है जिदन हाथ हो ही रहने ने, हाथों ने नहीं बदलना, सिर्फ विचार ने बदलना। गुरु पातशाह शरीर के अंग नहीं बदलते, मनुख की सोच बदलते हैं, मनुख की विचार बदलते हैं। पातशाह कृपा कर यह मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, एक टंग तुझे देखता चले ना ही तेरा नाले, साथ तेरे चले ना ही तिस नाल क्यों चित लाई है, ऐसा काम मूड़े ना पीछे जित अंत पछोताई। मां बाप अनुसार जीवन खूबसूरत बन जाए। सात संगत इनिया को बेनतियां प्रवान करनिया गुरमत ज्ञान मिशनरी कॉलेज वालों सिखी लहर के तहत रखे गए समागम में आप जी ने हाजिरी भरी है। ये सारा समागम आप जी इंटरनेट के राही सिखी लहर रेडियो
अपने घर बैठे जिन्हों के घर इंटरनेट है तुम सरवण कर सकते हो। शाम का दीवानी इसे गुरुद्वारा साहब 7 बजे तो लैके 10 बजे तक शाम का दीवानी सजेगा। हम कुछ समा जिनी क संगत बैठी है किसी के मन में कोई सवाल हो बाणी प्रति इतिहास प्रति पूछ सकते हो, फिर इस तो बाद आप समाप्ति करनी। फतेह बुलाओ जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।